गुड मॉर्निंग दिल्ली, मैं हूं आपके साथ मरियम अली। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की कुछ अहम खबरों के साथ। आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट आज सुनवाई करने वाला है। साथ ही आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कस्टडी में रहते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आदेश जारी करने से रोकने का निर्देश की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता सुरजीत सिंह यादव ने एडवोकेट शशि रंजन कुमार सिंह और महेश कुमार के जरिए ये याचिका दायर की है, जिसमें निर्देश देने की मांग की है कि ईडी की कस्टडी में रहने के दौरान केजरीवाल को टाइपिस्ट, कंप्यूटर प्रिंटर आदि उपलब्ध ना कराया जाए। साथ ही ये भी जांच करने और केजरीवाल पर मुकदमा चलाने के निर्देश देने की मांग की है कि पुलिस कस्टडी में उनके द्वारा जारी किए गए निर्देश या आदेश दिल्ली की मंत्री आतिशी के पास कैसे पहुंचे। याचिकाकर्ता इससे पहले केजरीवाल के गिरफ्त होने के बाद सीएम पद से हटाने की मांग करते हुए भी एक याचिका दायर कर चुका है। हालांकि हाईकोर्ट ने इस मांग को ठुकरा दिया था। वहीं आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ सुनवाई करेगी। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और उसके बाद ईडी की कस्टडी में भेजने के आदेश को अवैध बताते हुए तत्काल रिहाई की मांग की है। उधर आम आदमी पार्टी के एडवोकेट संजीव नासियार ने बताया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आज दिल्ली की सभी अदालतों में वकीलों का प्रदर्शन है। एडवोकेट संजीव नासियार ने कहा कि 21 मार्च की रात को जिस तरीके से एक चुने हुए मुख्यमंत्री को केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी ने गैर कानूनी तरीके से अरेस्ट किया है, वो ये बिल्कुल गलत है। आगे एडवोकेट ने क्या कुछ कहा, सुनिए। 21 मार्च की रात को जिस तरीके से एक चुने हुए मुख्यमंत्री को केंद्र सरकार के इशारे पे ईडी ने गैर कानूनी तरीके से अरेस्ट किया, एक ऐसे केस में जो दो साल से दुनिया भर की छानबीन कर रहे हैं, हमारे कई नेता जेल में हैं, उसके बावजूद भी एक नए रुपए की रिकवरी नहीं हुई है। लेकिन अभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से जो फैसला आया है उससे पता चला कि ऐसे अप्रूवर जिसकी स्टेटमेंट में अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया है, उसने 60 करोड़ रुपए रिश्वत दी है भारतीय जनता पार्टी को। एक साजिश है ये, और साजिश क्यों है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी पूरे हिंदुस्तान में पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने आम आदमी के लिए काम किया है, आम जन के लिए सस्ती बिजली, अच्छा स्वास्थ्य का, अच्छे एजुकेशन का प्रबंध किया है, महिलाओं के लिए फ्री यात्रा की है, और उससे ऊपर पढ़ी लिखी कम्युनिटी लॉयर्स के लिए अगर किसी ने कोई काम किया है तो वो उनका नाम है अरविंद केजरीवाल। हम लोगों को टर्म इंश्योरेंस दिया है, मेडिक्लेम पॉलिसी दी है हम लोगों के लिए, आपको ध्यान होगा हमारे चैम्बर्स में सब्सिडाइज रेट पे बिजली मिलती है, वो काम किसने किया, अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। वकीलों के ऊपर जब गोली चली थी 30,000 के अंदर, हम आपको मालूम है सबसे पहले अगर किसी ने आवाज उठाई थी, संसद में अगर कोई बोला था तो अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही बोले थे। तो ऐसे अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ जिस तरीके का एक षड्यंत्र रचा गया है, लॉयर्स कम्युनिटी ने निर्णय लिया है कल 12:30 बजे दिल्ली की सभी कोर्ट्स के अंदर एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। अपनी अपनी कोर्ट में हम 12:30 बजे इकट्ठा होंगे और जोरदार प्रदर्शन करेंगे। हम केजरीवाल जी के साथ खड़े हैं, केजरीवाल जी के साथ जो ज्यादती हो रही है उसके लिए हम कोर्ट में भी और रोड पर भी अपनी आवाज उठाएंगे। जय हिंद। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर से आर्म्ड फोर्स स्पेशल एक्ट हटाने की तैयारी में है और साथ ही घाटी से सैनिकों की वापसी का भी प्लान बना रही है। केंद्रीय गृह मंत्री ने बताया कि केंद्रीय सैन्य बलों को जम्मू कश्मीर से वापस बुलाया जाएगा, साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस को विशेष रूप से उस क्षेत्र का प्रभारी बना दिया जाएगा। योजना पहले से ही कार्यान्वयन के अधीन है। उन्होंने आगे कहा कि हम जम्मू कश्मीर पुलिस को मजबूत कर रहे हैं। फिलहाल स्थानीय पुलिस सहायक की भूमिका में केंद्रीय बलों के साथ सभी आतंकवाद विरोधी अभियानों का नेतृत्व किया जा रहा है। आगे अमित शाह बताते हैं कि पहले जम्मू कश्मीर पुलिस पर दिल्ली की सत्ता में बैठे लोगों को भरोसा नहीं था। उन्होंने कहा कि हम जम्मू कश्मीर पुलिस में गुणात्मक बदलाव लाए हैं, वो अब सभी अभियानों में सबसे आगे हैं। पहले सेना और केंद्रीय बल ही नेतृत्व करते थे। शाह ने बताया कि चुनाव के बाद ब्लूप्रिंट को आगे बढ़ाते हुए हम निश्चित रूप से कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी पूरी तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस को सौंप देंगे। मौसम की बात करें तो आपको बता दें कि बीते दिन तापमान 3 डिग्री सामान्य से ज्यादा रहा और आज मौसम विभाग ने ये पूर्वानुमान लगाया है कि अगले 2 दिनों तक भी तापमान लगातार बढ़ता रहेगा। बीते दिन की बात करें तो बीते दिन तेज धूप के चलते अधिकतम तापमान
34.6 डिग्री दर्ज किया गया। ये इस साल और सीजन में अब तक का सबसे ज्यादा तापमान है। इससे पहले 24 मार्च को ये 34.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। पीतमपुरा, नजफगढ़, आयानगर और रिज में अधिकतम तापमान 35 डिग्री से ऊपर रहा। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज भी गर्मी ऐसे ही बनी रहेगी। अधिकतम तापमान 35 रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 18 डिग्री तक बना रहेगा। वहीं अगर कल की बात करें तो कल अधिकतम तापमान 36 डिग्री तक पहुंच सकता है। IMD के मुताबिक 28 मार्च से एक पश्चिमी विक्षोभ का असर दिल्ली के मौसम पर देखने को मिल सकता है। इसके चलते दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बूंदाबांदी हो सकती है। तेज हवा के साथ होने वाली इस बूंदाबांदी के चलते तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की जा सकती है। तो ये थी आज की वो अहम बड़ी खबरें जिन पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। ऐसी खबरें देखने के लिए और इनसे जुड़े रहने के लिए बने रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।